नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे क्रिस्पी पॉपकॉर्न चिकन। वेलकम टू ऑरेंज स्पून हिंदी। ये पॉपकॉर्न चिकन के लिए हमको चाहिए बोनलेस चिकन। आज मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लेके साफ करके रख दिया। इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसका कितना नमक चाहिए उतना नमक ऐड कीजिए। और स्पाइसी के लिए आज मैंने काली मिर्च पाउडर ले लिया। इसमें और मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, एक्स्ट्रा स्पाइसेस के ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये तीनों सही हो जाएगा। ये सबको अच्छा मिक्स करना है। एक एक चिकन पीस में भी इसका नमक और काली मिर्च पाउडर का स्पाइस होना चाहिए, इसलिए अच्छा मिक्स कीजिए। इसे अच्छा मिक्स करने के बाद इसे बंद करके हाफ एन आवर छोड़ दीजिए, वो अच्छा मिक्स हो जाएगा। देखो चिकन पीस अच्छा नमक और काली मिर्च को अब्सॉर्ब करके अच्छा मैग्नेट हो गया। अभी इसको कोटिंग के लिए रेडी करना है। कोटिंग के लिए मैंने थोड़ा मैदा ले लिया और एक अंडा को थोड़ा नमक डाल के मिक्स करके रख दिया। और दूसरा आइटम में प्लेन कॉर्नफ्लेक्स, मक्का फ्लेक्स बोलता है ये, ऐसे पैकेट में ऐसे मिल जाएगा सुपरमार्केट में। इसमें फ्लेवर कुछ नहीं हो जाएगा, मिक्सर में आप देख सकता है ना वही है। आपके पास ये कॉर्नफ्लेक्स नहीं है, आप ओट्स भी यूज़ कर सकता है। कॉर्नफ्लेक्स के बिना आप ओट्स भी यूज़ कर सकता है। ये कॉर्नफ्लेक्स को अच्छा ऐसे क्रश करना है। ज़्यादा पाउडर जैसा ना कीजिए, वो क्रिस्पी नहीं हो जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा क्रश होना चाहिए। अच्छा क्रश करने के बाद हमको चिकन को पहले मैदा में पूरा टिप करना है। अच्छा ऐसे टिप होने के बाद हमने इसे एक में डालना है। ये रेडी करना बहुत आसान है। इसका इंग्रेडिएंट्स बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन टेस्टी बहुत अच्छा है। ये बच्चे भी खा सकता है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किया, बहुत कम मसाला यूज़ किया। इसे अंदर अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, बाहर बहुत क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा ये कॉर्नफ्लेक्स के वजह से। ये कॉर्नफ्लेक्स में चिकन को अच्छा प्रेस करना है, नहीं तो बाहर आ जाएगा। अच्छा प्रेस करके इसे पूरा कोटिंग होना चाहिए चिकन में ये कॉर्नफ्लेक्स। आप इसे पूरा चिकन को ऐसे टिप करके आप बॉक्स में डाल के 15 दिन आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकता है। आपको कभी चाहिए उसी टाइम आप ये फ्राई करके खा सकते हैं। 15 दिन फ्रीज़र में स्टोर कीजिए। अभी देखो अभी रेडी हो गया। ऑयल को लो मीडियम हीट में यूज़ कीजिए। गैस को फुल फ्लेम मत रखिए। फुल फ्लेम के वजह से हमको बाहर जल्दी काला हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा, अंदर फिर चिकन कच्चा हो जाएगा। इसलिए लो फ्लेम में अच्छा फ्राई करना चाहिए। इसके वजह से हमको अच्छा दोनों फ्राई हो जाएगा, बाहर भी फ्राई हो बॉयल हो जाएगा। आपको हमारा चैनल पसंद है, हमारा ऑरेंज स्पून हिंदी और तमिल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी। देख सकता है हमारा पॉपकॉर्न चिकन रेडी हो गया। पूरा बाहर क्रंची क्रिस्पी है, अंदर सॉफ्ट चिकन है। ये बहुत टेस्टी हो जाएगा बच्चे के लिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये टी के साथ इवनिंग स्नैक भी यूज़ कर सकता है, बहुत टेस्टी हो जाएगा। हमारा क्रिस्पी क्रंची पॉपकॉर्न चिकन रेडी।